दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल और आज हम आ चुके हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर वन के चैप्टर नंबर 9 सेकंड लास्ट चैप्टर, जहां पे हम बात कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की। तो किन चीज़ों में हम बात करने वाले हैं, दिस इज द सिलेबस दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं एक एक करके। सो 7 टॉपिक्स हमारा सिलेबस ओवरऑल डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उसमें भी सबसे पहली चीज़ जो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में निकल करके आती है, हमारी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नाउ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या होता है? एट द मिलेनियम समिट इन सितंबर 2000, द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स इन हिस्ट्री अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन। तो सितंबर 2000 में एक समिट हुई जिसे हम मिलेनियम समिट बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके लाइक 90s का दौर खत्म हो गया, एक नई सेंचुरी का आगाज हुआ था। तो नई सेंचुरी में जो नए तरीके से चीज़ें आई, तो उसमें मिलेनियम डिक्लेरेशन नाम की चीज़ हुई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एंड उस डिक्लेरेशन में कुछ डेवलपमेंट के गोल्स निकल कर के आए, जिन गोल्स को हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs। ओके, कमिटिंग द नेशंस टू अ न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड सेटिंग आउट अ सीरीज ऑफ टारगेट्स विद अ डेडलाइन ऑफ 2015, दीज हैव बिकम नोन एज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये गोल्स जो है 2015 तक अचीव होने चाहिए थे। In 2007, the MDG monitoring framework was revised to include 4 new targets agreed on by member states in the 2005 World Summit. 2005 में एक और समिट हुई जिसमें 4 नए ऐड किए गए, जो कि फ्रेमवर्क में एक्चुअली 2007 में रिवाइज करके इंक्लूड कर दिए गए। 2005 की समिट में इन चीज़ों पर डिस्कस हुआ। क्या क्या थे वो चीज़ें? वो थी आपका फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV/AIDS, द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये 4 चीज़ें नई 2005 में ऐड की गई हमारे MDGs में। द इंडिकेटर्स फॉर दीज न्यू टारगेट्स बिकम इफेक्टिव इन जनवरी 2008 एंड दिस इज द फ्रेमवर्क यूज फॉर मॉनिटरिंग पर्पज अचीविंग द MDG। क्या है वो गोल्स हैं, आप हम एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में सबसे पहले इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, मतलब जो सबसे निचले लेवल की गरीबी है, एक्सट्रीम लेवल की गरीबी है, हंगर है, उसे खत्म करना है, इरेडिकेट करना है पूरी तरीके से। मिनिमाइज या लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं। इरेडिकेशन मीन्स पूरी तरीके से खत्म करना है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, मतलब यूनिवर्सल लेवल पे सब जगह प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, वो एक गोल था। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन सेफ्टी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैट HIV/AIDS, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट की, हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को कम करने की बात कर रहे हैं, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं हम, HIV/AIDS और मलेरिया जैसे भयंकर भयंकर बीमारियों से लड़ने की बातें कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एंड पार्टनरशिप और डेवलपमेंट की, हम ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। ये हमारे कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल्स हैं। इसके बाद एक चीज़ निकल करके आती है, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये उसका थोड़ा सा MDGs का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। द 17 SDGs, SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कैरी ऑन द वर्क बिगिन बाय MDGs विच galvanized a global campaign from 2000 to 2015 to end poverty and its various dimensions. Yet, while the MDGs only apply to developing countries, the SDGs will apply universally to all UN member states and are considerably more comprehensive and ambitious than the MDGs. MDGs में हम सिर्फ millennial development की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो like developing countries में, जैसे हम बात कर रहे हैं poverty की, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, हम बात कर रहे हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी की, हम बात कर रहे हैं HIV/AIDS जैसे मलेरिया जैसी बीमारियों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अप्लाई होती हैं। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या हो रहा है कि हम वाइडर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल हैं, जो हर किसी के लिए अप्लाई होती हैं, चाहे वो आपका कंट्री डेवलप हो या डेवलपिंग हो, कैसा भी हो। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इट अप्लाइज यूनिवर्सली टू ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स एंड आर कंसिडरेबली मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस दैन द MDGs। फॉर द SDGs टू बी फुल्ली सक्सेसफुल, अर्बन एरियाज एंड देयर लोकल गवर्नमेंट्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग विल अकर नीड टू बी एम्पावर्ड। डिसेंट्रलाइज्ड कोऑपरेशन एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक्शन विच लेवरेज एंड एनेबल द कैपेसिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्टर्स can make a positive impact on the success of the SDGs.
कहीं ना कहीं लोग डिसेंट्रलाइज अप्रोच रखा गया है लोकल लेवल पे, लाइक फ्रॉम व्हाट वी से, लाइक कॉर्पोरेट में लैंग्वेज है फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच है. तो डिसेंट्रलाइज आपने कर दिया चीज़ें, तो लोगों को कहीं ना कहीं निचले लेवल से डेवलपमेंट शुरू होगा, तब जाके ऊपर तक वो चीज़ें नजर आएंगी. राइट, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. The most significant challenges to the universal implementation of the SDGs are thereby their success include capacities for progress monitoring and contention around how they will be financed. सबसे बड़ा दिक्कत था पैसे कहाँ से आएंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो वो एक मेजर चैलेंज है. लाइक हम गोल्स चैलेंजेस और सारी चीज़ें धीरे धीरे बात कर रहे हैं. SDGs maintain the thematic work on poverty eradication targeted by the MDGs. They reflect a comprehensive perspective on international development and sustaining human life on this planet. तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी इरेडिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते. तो एक सस्टेनेबल ह्यूमन लाइफ, एक डेवलप्ड ह्यूमन लाइफ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट की आप बात तभी कर सकते हो जब आपके पास पॉवर्टी इरेडिकेशन का चैलेंज आपने जो है अचीव कर लिया हो. बाई प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड टारगेट्स एंड प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, द SDGs आर the key to the success of 2030 agenda and will guide the development agenda agendas and national policies of united nation member states and their international cooperation over the next 15 years. 2030 ka ek agenda hai jiske liye hum baat kar rahe hain, kafi sare indicators hain jo un members ki cooperation and international cooperation ke bare mein baat ki ja rahi hai for next 15 years. 2015 se 2030 tak ki hum baatein kar rahe hain yahan pe. Right, ab hum uske kafi nazdeek pahunch chuke hain. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दीज आर द लिस्ट. नो पावर्टी, जीरो हंगर, पहले MDGs में दोनों को साथ रखा गया था, इन्होंने बोला नहीं दो अलग अलग गोल्स हैं, हंगर पे आप अलग काम करो, पावर्टी पे अलग से काम करो, दोनों को दोनों साथ में ही चलने वाली चीज़ें हैं बट दोनों को अचीव करना है. राइट, एंश्योर हेल्दी लाइफ, देन क्वालिटी एजुकेशन, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है. अचीव जेंडर इक्वालिटी, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी एंड वेमेन एम्पावरमेंट को साथ में रखा था हमने, इन्होंने बोला नहीं फिर जेंडर इक्वालिटी आप अचीव करो, वेमेन एम्पावरमेंट को अलग से देखेंगे हम. इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी, जब तक आप बिजली पानी नहीं दोगे लोगों को आप कैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो. एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क हर किसी के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फास्टर इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी विदिन एंड अमंग कंट्रीज, तो इनइक्वालिटी को आप ख़त्म करो हर जगह से, हर तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वालिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं. देन वी टॉक अबाउट मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो सिटीज़ एंड सेटलमेंट्स की बात की जा रही है, नए नए सिटीज़ बनाने हैं, नए नए सेटलमेंट्स करने हैं, तभी तो प्रोग्रेस होगी. एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो जो भी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रहा है उसमें सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल ऐड करना है. क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है. सस्टेनेबल अंडर वाटर लाइफ, तो आप अंडर वाटर को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दे रहे हो तो उसके अंदर भी एक लाइफ है, उसको भी आगे बढ़ाना है, उसको भी मेनटेन करना है, सस्टेनेबल रखना है. प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, तो लाइफ ऑन लैंड मीन्स जो ग्राउंड में लाइफ चल रही है, जो जनता रह रही है, जो स्पीसीज रह रही है उनकी बात हो रही है. प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये है हमारे 17 SDGs, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो इनको आप याद रख सकते हो क्या क्या चीज़ें. कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन सा गोल SDGs में है या कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें याद रखना है नो पावर्टी, जीरो हंगर, एंश्योर हेल्दी लाइफ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. देन हम बात करते हैं अफोर्डेबल एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फास्टर इनोवेशन, इनइक्वालिटी. देन हम बात करते हैं सिटीज एंड सेटलमेंट्स, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट, सस्टेनेबल अंडर वाटर ऑन लैंड एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. राइट, तो दिस इज दीज आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शन की. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट. देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, नेमली नेचुरल एंड मैनमेड. नेचुरल एक्टिविटीज मीन अकरिंग नेचुरली, मतलब उसमें कोई इंसान का रोल नहीं है. एंड मैनमेड एक्टिविटीज आर ऑल्सो टर्म्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जहाँ पे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है. द मीनिंग इज टू इम्प्रूव ह्यूमन लिविंग कंडीशंस विद ह्यूमन एफर्ट्स. वंस दे रीच अ पॉइंट दे कैन cause harm to human life as well. Anthropogenic activities are opposed to those occurring in natural environments without human influences. The energy consumption and technical evolution related to these sources is the main cause of man-made pollution. For instance, it is widely believed
दैट द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी फैक्टर ड्राइविंग एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज. सो इट्स लाइक इंसान अपने आप के लिए काम कर रहा होता है, बट धीरे 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 इंसान खुद के लिए इतना काम कर लेता है कि खुद के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, खुद को ही तकलीफ देना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान जो है लॉन्ग टर्म के विजन नहीं देख पाता है. शॉर्ट टर्म में वो सिर्फ प्रेजेंट में वो देख पा रहा है, लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं नेचर को डैमेज कर रहा है, सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, क्लाइमेट को डैमेज कर रहा है. तो ऑटोमेटिकली उसका सारा इम्पैक्ट इंसान पे भी हो रहा है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज दैट वी टॉक अबाउट. राइट, द मेन इम्पैक्ट्स ऑन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मेन तो वही है कि द मेजर इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर आर डिफॉरेस्टेशन. अभी आप पेड़ ही काटते जा रहे हो, जंगल काटते जा रहे हो, सॉइल इरोजन, depletion of nutrients, etc. There have been both positive and negative effects on the environment to increase production. Among fertilizer problems, it is mostly a micronutrient imbalance. मतलब छोटे छोटे जो phosphorus, nitrogen and potassium जैसे चीज़ें हैं उनका imbalance, and कहीं ना कहीं आपके जो है what we say nitrate pollution, तो उसका भी impact कहीं ना कहीं नज़र आता हुआ आपको नज़र आएगा. इन सारी चीज़ों को मिला जुला करके ओवरऑल जो हमारे सॉइल पे आ रहा है कि वेन द कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड्स 25 मिलीग्राम पर लीटर बिकॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम और दिस इज कॉल्ड एज मेथामोग्लोबिनेमिया. दैट इज द नेम, लाइक मीथेन से हो रहा है इसलिए हमने उसको मीथेमोग्लोबिनेमिया दैट इज द नेम और ब्लू बेबी सिंड्रोम ऐसा नाम दिया गया. तो ये कहीं ना कहीं नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से हो रहा है कि जो आपके सॉइल में डालने वाले ग्राउंड वाटर में डालने जाने वाले चीज़ें हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका नाइट्रोजन को 25 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़ जाता है. दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. राइट, तो यूट्रोफिकेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ NNP फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर एंड लीडिंग टू एल्गल ब्लूम्स. देयर कैन बी पेस्टिसाइड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड बायोसाइड्स एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ों को मिला करके एग्रीकल्चर लैंड को हम डैमेज कर रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस इन सारी चीज़ों का इम्बैलेंस होते जा रहा है. दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द एग्रीकल्चर, वी कैन से इन शॉर्ट. इम्पैक्ट ऑफ हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, नाउ एग्रीकल्चर एक एक्टिविटी है उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट, देन हाउसिंग एग्रीकल्चर में क्योंकि हम बहुत सारे फर्टिलाइजर, हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. हाउसिंग रिलेटेड क्या क्या तकलीफ हो रही है, द पुअर हाउसिंग कॉजेज अ डायरेक्टली मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स. द हाईटेक मॉडर्न बिल्डिंग्स रिड्यूस स्पिरेटिंग एनर्जी कॉस्ट बट दे मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन. सेवरल बिल्डिंग मटीरियल सच एज सॉल्वेंट्स, फिनिश एंड क्लींजर्स फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग मटीरियल कैन कॉज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. Production of plastics cause the generation of greenhouse gases such as carbon dioxide, volatile organic compounds and polyvinyl chloride. ये like बहुत सी activities हैं cleaning के लिए, हम बहुत सारे जो है what we there was a word what we use is कि like बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं cleansers use किए जाते हैं बहुत सारे, तो वो maintenance, cleaning एंड सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं. बहुत सारे जो है compounds use किए जा रहे हैं, polyvinyl chloride ऐसे सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं दे कॉज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम टू द नेचर. प्लास्टिक का यूज़ बढ़ते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है. आप देखो घरों में लोग, हर घर में एवरीबडी इज़ यूजिंग एन एयर कंडीशनर, तो कहीं ना कहीं ऑल दोज थिंग्स आर कॉजिंग इम्पैक्ट टू द एनवायरमेंट. राइट, द डिस्पोजल ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ मेजर प्रॉब्लम. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम दीज ओर्स हैज़ सेवरल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सम ऑफ विच मे बी वॉट वी कॉल इट एज कार्सिनोजेनिक. तो कैंसर कॉजिंग कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं. Some insulting materials are made from chlorofluorocarbons and their safe recovery is difficult. The release of CFCs in the atmosphere would enhance the global warming problems. Now something called as asbestos, which have been quite useful in buildings, is now known to be very harmful to our health and not recommended now. Indoor air pollution ek badi dikkat hai, is a major source of public exposure to air pollutants and that have been potential to cause chronic health problems. फ्यूम्स, लाइक परफ्यूम्स की बात कर रहे हैं हम, द फ्यूम्स, वेपर्स और गैसेस ऑफ इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स कॉज दी लॉट ऑफ इश्यूज. लाइक जैसे हम यहाँ पे कुछ हमने नाम लिख रखे हुए हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड की, तो वहाँ पे स्पेशली इन मॉडर्न बिल्डिंग्स आजकल जो कॉज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट्स यूज एडहेसिव्स दैट कंटेन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं. फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टबैको स्मोक, नेचुरल गैस एंड
केरोसिन, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वो उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं टबैको में हो रहा है, नेचुरल गैस में है, तो कहीं ना कहीं लाइक नॉट नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। एंड सेम चीज़ इज़ बीइंग यूज्ड इन हमारे घरों के फर्नीचर में, जो ग्लू लगाई जाती है, एडहेसिव लगाई जाती है, उसमें भी सेम चीज़ यूज़ होती है, तो वी कैन अंडरस्टैंड। देन बेंजीन इज़ अ सॉल्वेंट यूज इन पेट्रोल, इंक, ऑयल, ऑयल पेंट, प्लास्टिक एंड रबर, व्हाट वी कॉल इट एज ट्राईक्लोरो ट्राईक्लोरोथेलीन इज यूज टू मेटल डिग्रेशर्स, ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, इंक्स, पेंट्स, लाइक हम समझ सकते हैं कि लीकर्स की या लैकर्स की बात कर रहे हैं, देन वर्निशेस एंड एडहेसिव। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में कहीं ना कहीं आसपास देखे जाने वाली चीज़ें कि हम बेंजीन का यूज़ कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो वो ऑयल पेंट एंड प्लास्टिक में यूज़ जाने वाली चीज़ें, प्लास्टिक तो हमारे पास आसपास है ही है, पेंट्स भी हमारे आसपास होते ही होते हैं एडहेसिव, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कॉपिंग मशीन्स, फ्यूम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम क्लीन सॉल्वेंट्स, तो ऑल दोज थिंग्स आर कॉजिंग इश्यूज़ टू द पीपल। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट हार्बर्स द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन एयर ड्यूब्स एंड फिल्टर्स, तो वो एक दिक्कत है। सम वेरियंट्स ऑफ एस्बिटीज, सम लाइक हम बात करें अगर बेसिक बेसिक से चीज़ें, एस्बिटोस कैन कॉज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लंग कैंसर, तो वो भी एक दिक्कत है। कॉकरोच ड्रॉपिंग्स ट्रिगर एलर्जिक अस्थमा, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉकरोचेस को मारने के लिए यूज़ किए जाने वाली चीज़ें हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मैन मेड और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और हाउसिंग एक्टिविटीज़। अब एनवायरमेंटल इश्यूज, अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट कैन बी बेस्ट रियलाइज्ड बाय अ कॉमन फ्यूचर और ग्लोबल शेयरिंग कॉन्सेप्ट। द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हिंड्रेंसेज इन रियलाइजिंग द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टोटैलिटी। तो वी नीड टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फोकस एज वेल दैट कैन इंटीग्रेट द आउटलुक एंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, रियलाइजिंग द डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, लेवल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एबिलिटीज एंड सोशल। तो बेसिकली हम बात ज़्यादा बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल चीज़ों की बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑन द ह्यूमन लाइफ हेल्ड एट स्टॉक लाइक हाँ दिस इज समथिंग कैपेबिलिटी लेवल्स, तो एक लाइन मिस हो गया आई थिंक। ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट एट स्टॉक होम वॉज ऑल्सो हाईलाइटेड, एक लाइक एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बात कर रहे हैं डिफरेंस इन द पॉइंट्स ऑफ द व्यू, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे इवन इफ इट इज मिस्ड आउट। तो हम बात कर रहे हैं रियो समिट की, तो रियो समिट से कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले लोकल इशूज़ की। लोकल इशूज़ आर रिलेटेड टू इशूज़ रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज इन एरिया, सॉइल इरोजन ऑफ सम लोकल फॉरेस्ट, डिफरेंट पोल्यूशन लेवल्स एट द सेम सिटी, लैंड स्लाइड्स एक्सेट्रा, ये लोकल लेवल पे टैकल की जाने वाली, लोकल लेवल पे फेस किए जाने वाले इशू। इसके अलावा कुछ होते हैं रीजनल लेवल के इश्यूज, तो रीजनल लेवल के इश्यूज जैसे कि हम डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स की बात करते हैं कि एक गांव में, एक शहर में नहीं होता, एक पूरे रीजन में होता है। फ्लड्स एंड सॉइल, फ्लड आएगी तो किसी एक पर्टिकुलर गांव या एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं आती है, फ्लड्स पूरे पूरे पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा एरिया दबा करके चले जाते हैं। राइज इन सी लेवल, बीच इरोजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज सैलिनिटी, सैलिनिटी, फ्लड्स एंड फ्लड डैमेजेस, थ्रेट्स टू कोस्टल वेटलैंड एंड थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर, एंड डिफॉरेस्टेशन ऑफकोर्स हमने डिस्कस किया अभी, तो डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली हैं। देन ग्लोबल इशू, ग्लोबल इशू दैट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, उसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, कि जैसे जैसे ओशन लेवल बढ़ते जा रहा है, आपके क्रॉप फेलियर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि इंक्रीजिंग ड्राउट एंड डेजर्टिफिकेशन, क्रॉप फेलियर्स, देन आपके जो है पोलर आइस कैप्स, कोस्टल फ्लडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेजर वेजिटेशन, देन कोरल मोर्टैलिटी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेटली इज बिकमिंग अ बिगर इशू। देन नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड बायोडाइवर्सिटी, द नॉर्थ वर्ल्ड हैज़ जस्ट ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट कंज्यूम्स 80% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, तो आप उस चीज़ को समझो आप। ऑन द अदर हैंड द साउथ कंप्राइजिंग द डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल स्ट्रगलिंग, नहीं मतलब हम नॉर्थ की बात करें तो हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप एंड आप यूएस की तरफ देखोगे तो लाइक जो नॉर्दर्न डेवलप्ड नेशन है मोस्टली नॉर्थ में है, तो वो उनका पॉपुलेशन कम है बट एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, जबकि साउथ में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है बट एनर्जी कंजम्पशन रिसोर्सेज पे कम है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिवाइड है। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा साउथ में है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं चीज़ है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, कि पोल्यूशन क्या होता है, कितने कितने टाइप का होता है। तो हमें एयर पोल्यूशन बताया कि जब एयर डैमेज हो जाती है, आपके आसपास की हवा जब पोल्यूट हो जाती है तो उसे हम एयर पोल्यूशन।
जब आपके आसपास का वाटर पोल्यूट हो जा रहा है कि नेचुरल वाटर जो है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, आपने बहुत सारा वेस्ट वाटर बिना प्योरीफाई किए ऐसे ही छोड़ दिया, आप केमिकल्स बहुत सारी चीज़ें आ गई, दैट दैट बिकम्स कि आपका वाटर बॉडी पोल्यूट हो चुकी है, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। एंड सॉइल पोल्यूशन होता है क्या? यस, सॉइल पोल्यूशन भी होता है कि आप लगातार खेती करते जा रहे हो, खेती करते जा रहे हो, उसमें इतने सारे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, इतने सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हो, इतने सारे केमिकल्स डाल रहे हो, कहीं ना कहीं ज़मीन की जो ऑर्गेनिक कैपेसिटी थी, जो नेचुरल कैपेसिटी थी, आपने ख़त्म कर दिया, तो वो भी एक तकलीफ है। देन नॉइज़ पोल्यूशन, अब इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना सारा हवा, जितना शोरगुल हो रहा है, दैट इज़ एट द एंड नॉइज़ पोल्यूशन। देन वेस्ट, ऑफकोर्स वेस्ट, वेस्ट मतलब वही है कि जो आप आसपास कचरा फैला हुआ है, आसपास गंदगी फैली हुई है, जो काम की चीज़ें नहीं है, एक्स्ट्रा, इट्स लाइक हम कितना ज़्यादा वेस्ट फैला रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें ला रहे हैं उसमें हर हर चीज़ प्लास्टिक में पैक होकर के आ रही है, वो प्लास्टिक एट द एंड हम फेंक रहे हैं कहीं ना कहीं, दैट इज़ नथिंग बट वेस्ट। एंड बड़ा इशू है, एक पोल्यूशन से भी बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज की, ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों का मिला जुला करके जो ओवरऑल टोटल इम्पैक्ट दैट इज़ विजिबल, दैट कैन बी सीन इज योर क्लाइमेट चेंज। इन सारी चीज़ों को मिला जुला के, इन सारी दिक्कतों को मिला जुला के हम पोल्यूशन एंड उसकी कैटेगरीज में एक एक करके अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर मतलब हम हवा की बात करें, तो अभी अगर हम हवा की बात करें तो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है दैट इज़ ऑक्सीजन। थोड़ा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और फालतू की हवा जो एक्स्ट्रा गैसेज है, जो हजारडस गैसेज हैं, उनकी क्वान्टिटी बढ़ते जा रही है। तो क्लीन ड्राई एयर कंटेन 78.09% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम एंड 20.9% ऑक्सीजन, द रिमेनिंग 0.97% इज मेड ऑफ बाकी की जितने भी गैसेस है, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यूथेन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ज़ीनॉन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो भी आपको पता है वो सारी चीज़ें, बाकी के 0.1% से भी कम है उनका क्वांटिटी। हो क्या रहा है कि ये धीरे 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 इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एटमोस्फोरिक पोल्यूशन, द डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ नेचुरल एटमोस्फेरिक कंडीशंस ड्यू टू पोल्यूटेंट्स इज नोन एज एयर पोल्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, एट एज द प्रेजेंस ऑफ मटीरियल्स इन द एयर विच आर हार्मफुल टू द लिविंग बींग्स वंस दे क्रॉस देयर थ्रेश होल्ड कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स, द फॉरन बॉडीज, गैसेज एंड सो ऑन एक्ट एज एयर पोल्यूटेंट। सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं अनवांटेड हैं, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हैं, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान दे रही हैं, तो आप नेचुरल इम्बैलेंस करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज एयर। कितने टाइप का होता है एयर पोल्यूशन? तो प्राइमरी कुछ होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और कुछ होते हैं लाइक हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में नाम आता है आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से, तो हम उसको SPM बोलते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, देन हाइड्रोकार्बन्स, उसमें मीथेन आ जाता है आपका, सल्फर ऑक्साइड, देन आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड लेड, ये जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं एयर के। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में हम बात करें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर नॉट डायरेक्टली एंटर्ड फ्रॉम सोर्सेज, दीज पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सर्टन एटमोस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की वजह से जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो दैट इज कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसमें आपका सल्फेट नाइट्रेट एंड ऑर्गेनिक व्हाट वी के पार्टिकल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज सच एज हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सम इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर सल्फर ट्राईऑक्साइड, नॉट डाईऑक्साइड, इट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड विद व्हेन सल्फर डाईऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो सल्फर डाईऑक्साइड प्राइमरी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जब वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी नॉट सनलाइट, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है, तो दैट उसकी वजह से जो है आपका कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, तो वो एसिड रेन के फॉर्म में देखने को मिलता है। देन स्मॉग फॉर्मेशन, स्मॉग इज अ ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग स्मोक एंड फॉग, द इफेक्ट ऑफ स्मॉग इज मैक्सिमम जस्ट बिफोर सनराइज एज स्मॉग पार्टिकल्स दैट आर एंट्रैप्ड बिटवीन कोल्ड एयर आर अनेबल टू राइज, लाइक कुछ ऐसे स्मॉग के पार्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पाते, नीचे रहते हैं, बट सनलाइट आने की वजह से जैसे ही सनलाइट बढ़ती है तो वो धीरे 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 हवा में मिक्स हो जाते हैं, बट उसके भी कई सारे वो होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरीज एंड अलग अलग तरीके से जो है चलते हैं। उसके बाद एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज्ड इन द एयर, दीज सब्सटेंसेस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे मिक्स एंड रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म मोर एसिडिक पोल्यूटेंट्स नोन एज एसिड रेन। यही पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कार्बन ट्राईऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऊपर जाते हैं और ट्राईऑक्साइड बन के एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं वापस से।
मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट द पीपल एंड द एनवायरमेंट। वाटर इज फर्स्ट ऑफ लाइट मेक्स अप टू 60-90% ऑफ द टोटल वेट ऑफ एनी फंक्शनिंग लिविंग बींग। ऑल्दो 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, ओनली 0.00192% ऑफ द वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन। लेस दैन 3% ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज फ्रेश, वेयर द रेस्ट इज सी वाटर एंड अनड्रिंकेबल। ऑफकोर्स 3% ओवर 2.5% इज फ्रोजन एज ग्लेशियर्स विच आर लॉक्ड अप इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन्स एंड दे आर नॉट अवेलेबल टू मैन। दस ह्यूमनली रिमेनिंग इज ओनली 0.5% फॉर द ऑल मैन एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है फ्रेश वाटर में दिक्कतें आ रही हैं। राइट, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका पॉइंट सोर्स सोल्यूशन। द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज बाई स्पेसिफिक सोर्सेज इन टू अ वाटर बॉडी लेड्स टू पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड हॉट वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स कॉज पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। राइट, द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन टू अ वाटर बॉडी फ्रॉम लार्ज एरियाज लेड्स टू नॉन पॉइंट सोर्स कंस्ट्रक्शन रन ऑफ्स एंड एसिड ड्रेन कॉज नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। द मेजर सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स आर इंडस्ट्रियल हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड वाटर जो थर्मल प्लांट से निकलता है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप वाटर बॉडीज में मिक्स कर दे रहे हो। देन नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, उसमें आपका म्यूनसिपल वेस्ट वाटर आ जाता है कि आप जो भी वेस्ट वाटर छोड़ रहे हो म्यूनसिपैलिटीज़ जो है उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जैसे उनको रिडायरेक्ट करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट वाटर बॉडीज में छोड़ घरों का किचन का डोमेस्टिक यूज़ का वाटर है। देन सरफेस रन ऑफ द प्रैक्टिस कॉज्ड इन एग्रीकल्चर अफेक्ट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। इंटेंसिव कल्टिवेशन कॉज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर वेयर द प्रोसेस इज नोन एज। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें जो फर्टिलाइजर्स जमीन के अंदर पहुंचा रहे हो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी के थ्रू, तो ग्राउंड वाटर भी कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए। इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स ऑन लाइफ बहुत सारे हैं। तो ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडीज, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पे ब्लू मैग्निफिकेशन का जो है खतरा नज़र आ रहा है, बायो मैग्निफिकेशन का खतरा नज़र आ रहा है। द एक्युमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। अकर्स व्हेन अ केमिकल बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज वी मूव अप फूड चेन। दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स। क्लासिक एग्जाम्पल इज कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वाटर बॉडीज में मिक्स होते जा रही हैं और वो केमिकल कंपाउंड का जो है कंटेंट जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। सो द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स आर रीचिंग अ वाटर बॉडी इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द वाटर बॉडी। दीज न्यूट्रिएंट कॉज द प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ एल्गी। नाउ दिस एल्गी इज नोन एज एल्गल ब्लूम। This growth eventually causes the death of small fish and organisms. Basically again हम कुछ chemicals छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें कुछ materials छोड़ रहे हैं, कुछ nutrients जो है inorganic nutrients हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है क्या हम कहने basics idea है इसकी, जो water bodies में छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, fishes छोटे छोटे micro organisms रहते हैं, हम उनको धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, तो उसका भी है कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स आर कॉमनली डिफाइंड एज दोज हैविंग अ स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब सेंटीमीटर। द मेन थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम हैवी मेटल्स आर एसोसिएटेड एक्सपोजर टू लेड कैडमियम मर्क्यूरी एंड एरेसमिक। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे मेटल्स अगर वाटर में मिक्स हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। बिकॉज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स ऑन मरीन लाइफ, तो मरीन लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही हैं। मरीन ऑयल स्पिल्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ। इट इज एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनटू पेट्रोल लीक हो गया कहीं ना कहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। टैंकर स्पिल्स इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑयल स्प्रेड अक्रॉस लार्ज एरियाज ऑफ वाटर प्रिवेंट्स ऑक्सीजन इन द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर दस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स टू ब्रीथ। उसके बाद ऑयल कोटिंग रिजल्ट्स इन पॉइजनिंग ऑफ मरीन बर्ड्स सच एज सीगल। तो ये भी एक दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं चाहे आपका टैंकर स्पिल हो या आपका मरीन स्पिल हो, कुछ भी किसी भी तरीके का ऑयल स्पिल होता है तो ऑयल कोटिंग बना देता है और उसकी वजह से बर्ड्स पे नुकसान हो, वाटर बॉडीज के रहने वाले चीज़ों पे नुकसान, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रोक देता है उनका। लाइक इट्स नॉट अ गुड एनवायरमेंट टू बी।
देन सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन इज नथिंग बट हम बात कर रहे हैं कि सॉइल को कितना डिग्रेड किया जा रहा है. तो मैच्योर सॉइल इज अरेंज इन टू अ सीरीज ऑफ जोन्स कॉल्ड सॉइल होराइजन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स वेरी इन कंटेंट ऑफ क्ले सैंड एंड ग्रेवल. तो हर एक सॉइल का अलग अलग कंटेंट होता है. तो मेजर जो रीजन्स हैं, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन म्यूनसिपल एंड लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट आप छोड़ रहे हो तो नॉट ओनली अगर आप वाटर पे छोड़ोगे तो वाटर बॉडीज को जो है कंटेमिनेट रहेगा. आप सॉइल पे छोड़ोगे तो सॉइल को कंटेमिनेट रहेगा. सेम फॉर म्यूनसिपल वेस्ट एंड मेडिकल वेस्ट. आपका चाहे फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट हो, चाहे फिर आपका ओपन कॉस्ट ई वेस्ट, किसी भी तरीके का वेस्ट हो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो भी आप जमीन पर छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो सॉइल को भी नुकसान पहुँचाने वाले हैं. राइट. तो सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें, अ गुड क्वालिटी सॉइल कैन सपोर्ट वेजिटेशन विदाउट विच लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट बी एज्यूम्ड और कैन नॉट बी सस्टेन. इट मे टेक अप टू 1000 years टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल एंड बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन ऑल्सो टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. इवन सॉइल मेक्स अ डायनामिक इकोसिस्टम टू सस्टेन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल थ्रू नाइट्रोजन. दो नाइट्रोजन इज द मेजर गैस इन द एटमोसफियर. इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स विच इज कैरिड आउट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. नाउ सॉइल एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरमेंट. हियर द सॉइल ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द प्लांट्स. तो अब सॉइल लाइक प्लांट्स कैसे उगेंगे, बिना सॉइल के तो नहीं उगते ना. तो कहीं ना कहीं दैट इज द रिलेशन. एंड सॉइल हैज दिस यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को जो है प्योरीफाई करने की कोशिश करती है. सॉइल इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. द यूज ऑफ हैवी मशीनरी रिजल्ट्स इन सॉइल व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्पैक्शन और प्रेसिंग ऑफ सॉइल विच रिड्यूसेस द पोरोसिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो कहीं ना कहीं लाइक सॉइल की जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते जाती है. देन सीवेज वाटर इज यूज टू इरीगेट द फील्ड्स और सीवेज सेज इज यूज एज अ फर्टिलाइजर विच इंक्रीजेज द हैवी मेटल कंटेंट इन द सॉइल. डेफिनेटली आप गंदा पानी यूज़ करोगे तो आपका नॉट ओनली वेजिटेशन तो ठीक है, आप देखोगे शहरों के आसपास जो है नालों का पानी यूज़ किया जाता है सब्जियां उगाने के लिए. दैट इज अ मेजर थिंग. दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. राइट. सो विद इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन द सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज रेज्ड अगेन एंड अगेन विच डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. टू प्रिवेंट दिस क्रॉप रोटेशन शुड बी फॉलोड एज अ रेगुलर प्रोसेस. हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स डिमांड यूज ऑफ मोर वाटर एंड फर्टिलाइजर्स. तो आप देखोगे पहले के ज़माने में लोग जो है रोटेशनल बेसिस पे खेती करते थे. सेम क्रॉप बार बार नहीं उगाई जाती थी. एक साल की चार क्रॉप्स होती थी तो चारों उगाई जाती थी. धीरे धीरे अभी ग्रीन रिवोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ने जो है चीज़ें बदलने की कोशिश की हैं. बट वो बदलाव जो है पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है. तो यूज़ ऑफ पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं. यूज़ ऑफ वाटर विथ हाई सॉल्ट कॉन्टेंट टू रेज क्रॉप्स में रिजल्ट इन हाई सैलिनिटी टू ऑफ सॉइल. सॉल्ट मेक्स द लेयर ऑफ टॉप इम्परमिएबल विच डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन टू द सॉइल एंड दस इट रिजल्ट इन द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग एक्सेस. मतलब क्या हो रहा है, सॉल्ट की वजह से जो है सॉल्ट ऊपर की एक लेयर बना देता है सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से जो है पानी अंदर नहीं जा पाता सॉइल के. तो जो आपका वाटर लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं सामने आपके नजर आती है. एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड अल्टीमेटली दीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंटर इन टू आर इकोलॉजिकल सिस्टम. तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तकलीफ देने वाले हैं फर्टिलाइजर्स आपके जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हो. द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिजल्ट्स इन द फेल ऑफ वाटर टेबल एंड अल्टीमेटली इन डेजर्टिफिकेशन. तो आप ओवर एक्सप्लोइटेशन से तो ऑफकोर्स दिक्कतें आने वाली. ऊपर का पानी तो ठीक है, आपने ग्राउंड वाटर भी पूरा खत्म कर दिया, तो इवेंचुअली वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेजर्टिफिकेशन ओनली, नथिंग एल्स. राइट. नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन का बस एक ही स्लाइड है. नॉइज़ पोल्यूशन इज नथिंग बट जब एक्स्ट्रा नॉइज़ जो अनवांटेड नॉइज़ है जो आपके कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डैमेज कर देता है. तो जो नॉइज़ को हम लाइक साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल्स में, तो जब एक डेसिबल के बियॉन्ड चला जाता है नॉइज़ तो दैट लाइक साउंड दैट बिकम्स अ नॉइज़. तो मेजरमेंट ऑफ साउंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो. साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. डीबी कहा जाता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है. द यूनिट वॉज चूजन इन द ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. तो ठीक है, लाइक हम डेसिबल हु इन्वेंटेड द यूज ऑफ टेलीफोन. इट इज़ नॉट लीनियर स्केल बड़ा. ठीक है, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक चीज़ें होंगी. हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि डेसिबल में मेजर किया जाता है. सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो जाते हैं. इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स,
साउंड एम्पलीफायर्स, क्रैकर्स, पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड फाइटर जेट, हम लोगों को पता है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो जाता है, हियरिंग लॉस, आपको कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में पहुंचा दे रहे हैं कि लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, वो सारे मेकिंग एंड कहीं ना कहीं हियरिंग लॉस आर मेजर कॉमन इश्यूज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। मूविंग ऑन टू एनवायरमेंटल वेस्ट, एनवायरमेंटल वेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स नॉट ओनली दैट द स्टेट प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट बट इट ऑल्सो कंपेल्स द स्टेट टू सीक इम्प्रूवमेंट इन पोल्यूटेड पोल्यूटेड एनवायरमेंट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द प्रोग्रेस मेड बाई वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया हैज़ार्डस वेस्ट रूल्स। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990, वेस्ट इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच कॉन्स्टिट्यूट्स एज स्क्रैप मटीरियल और एन एफ्लुएंट और अदर अनवॉन्टेड सरप्लस सब्सटेंसेस अराइजिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस। तो कुछ भी करने से, किसी भी प्रोसेस को अप्लाई करने से अगर कोई स्क्रैप जनरेट हो रहा है या कुछ ऐसी चीज जनरेट हो रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट राइट। विद रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन एक्सप्लोरेशन इन पॉपुलेशन इन इंडिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विल बी अ की चैलेंज टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल म्युनिसिपल बॉडीज इन 21st सेंचुरी। द वेस्ट इज यूजुअली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड किया जा सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिग्रेडेड थ्रू माइक्रो ऑर्बिट एंड माइक्रो ऑर्बिट ऑर्बिट एक्टिविटी। द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आर फूड, लाइक जो हमारा बचा हुआ खाना है, द फूड रेजिड्यू एंड ह्यूमन एक्सक्रेट, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अगर बायोडिग्रेडेबल हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जो है कहीं ना कहीं जो है उनको गलाया जा सकता है, वापस से जो है एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट में मिक्स होती नहीं है, दैट दे आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो दे डू नॉट डिग्रेड। द मेन एग्जांपल्स आर पेट्रोलियम, प्लास्टिक, ग्लासेस एक्सेट्रा, ये जैसा है वैसे ही रहते हैं, कभी जो है गलते नहीं है, कुछ होता नहीं है इनको। इसके अलावा एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट, तो बायोमेडिकल वेस्ट मतलब मेडिकल से रिलेटेड, जैसे नीडल हो गए, सिरिंज हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, तो ये भी वेस्ट हैं कहीं ना कहीं, यूज़ किए हुए नीडल्स, यूज़ किए हुए सिरिंज, मेडिसिन जो एक्सपायर हो गए हैं, बचे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं वेस्ट की तरह ही काम आती हैं। फिर एक है ई वेस्ट, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसमें आपके कंप्यूटर पार्ट्स, आपके बल्ब्स, आपके बैटरी, ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, तो वो भी एक वेस्ट का तरीका है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या क्या है, फूड प्रोसेसिंग से काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है, पेपर इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलता है, पेट्रोलियम से निकलता है, केमिकल से निकलता है, मेटल से निकलता है, सीमेंट से निकलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, म्यूनसिपल वेस्ट निकलता है, तो ये बहुत सारे पॉपुलर तरीके हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के। देन एक अगर हम फॉर्म्स के बेसिस में डिवाइड करें तो एक है सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मतलब वेस्ट जो सॉलिड है, तो सॉलिड वेस्ट इज़ बेसिकली सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट, कहीं ना कहीं इसमें हम बात करते हैं आपका सैनिटरी वेस्ट हो जाता है, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, ऐसे सारी चीज़ें हम सबको पता है सॉलिड वेस्ट क्या है जो हम देख सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्लीन इंडिया मिशन या जो हमने 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, मोदी गवर्नमेंट ने, तो स्वच्छ भारत अभियान इज़ नथिंग बट टू सॉल्व दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं कंपोस्टिंग कर बना सकते हो, कि इस वेस्ट को कंपोस्टिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर, इट इज़ द साइकिल ऑफ सस्टेन, लाइक कंपोस्टिंग मतलब उसी वेस्ट से आप खाद बना सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जैसे घर से सब्जियों के छिलके हैं, जैसे फ्रूट्स के कहीं ना कहीं छिलके हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है कंपोस्टिंग की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। देन उसके अलावा होता है बायोमिथेनेशन, कि आप उससे बायोगैस बना सकते हो। देन हीट एनर्जी, कहीं ना कहीं उससे जो है रिकवरिंग हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्यूल्स, और बहुत सारी चीज़ें जो है की जा सकती हैं, दैट इज़ द थिंग विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है। देन उसके अलावा एक तरीका है एरोबिक कंपोस्टिंग, तो इसमें जो है आप कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज की हेल्प ले रहे हो, जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर करके सॉलिड वेस्ट को कंपेयर करते हो, और वो जो है गैसेस में और बहुत सारे मॉइस्ट एंड कंडीशन में बहुत सारी चीज़ों में जो है बदलते रहता है, तो इसमें हम लाइक थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कि आप कुछ पैथोजेंस डाल देते हो, कुछ जो है नॉन ऑर्डरस एंड फ्री पैथोजेंस, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन कर करके थोड़ा सा प्रोसेसिंग हम उसमें कर दे रहे हैं, राइट। उसके बाद एक है वर्मी कंपोस्टिंग, तो इट इज़ बेसिकली द जॉइंट एक्शन ऑफ अर्थवर्म्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आप कहीं ना कहीं अर्थवर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो है मिट्टी को बराबर बनाए रखने में, तो आप उस वेस्ट में कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट में यूज़ कर रहे हो एंड उससे जो है आपके वर्मी कंपोस्टिंग हो रही है, तो वो भी एक तरीका है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का। देन वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज लाइक हम यहाँ पे जो है
इनऑर्गेनिक डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इट इज़ दी ऑर्गेनिक वेस्ट इज बरीड इन लाइक हम बड़े बड़े गड्ढे करके उसके अंदर जो है दबाया जा रहा है, तो इन कहीं ना कहीं पिट्स अंडर पार्शियली इन और पार्शियली जो है हम जो कहीं ना कहीं ना कहीं एनऑर्बेरिक कंडीशंस में डाल दे रहे हैं, देन इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय एनाबोरिक एनएरबोनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज इन टू द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक रिड्यूसर्स इज गुड इन गुड नेचर. तो कहीं ना कहीं उनको जो है गुड मैनर में जो है चीज़ें डाली जा रही हैं, तो वो दैट इज़ ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो भी एक तरीका है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का. अदर स्कीम्स एज वेल, तो जिसमें हम बात करते हैं जैसे इंसाइनरेशन, तो हम कहीं ना कहीं कि हम इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ इंसाइनरेशन प्रोसेस इज दैट इट कैन बी यूज टू रिड्यूस द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ कम्बस्टेबल सॉलिड वेस्ट बाई 80-90%. इंसाइनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट अंडर ऑक्सीजन डिफिशेंट कंडीशन इज कॉल्ड गैसिफिकेशन दैट रिप्लेसेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट फ्रॉम कम्बसन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ये भी एक तरीका है जिससे हम जो है वेस्ट मैनेज कर सकते हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पायरोलीसिया, तो पायरोलीसिया में कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, तो वो भी एक तरीका है. लैंडफिल, लैंडफिल में भी हम वही कर रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे करके उसके अंदर भर दे रहे हैं, तो इवेंचुअली वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा या मे बी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे. इट इज बरिंग ऑफ द वेस्ट इन वेकेंट लोकेशंस अराउंड द सिटीज दैट शुड बी कन्वर्टेड विद सॉइल टू प्रिवेंट कहीं ना कहीं कंटामिनेशन से हम बचाने की कोशिश. राइट, देन हम बात कर रहे हैं व्हाट वी कॉल इट एज मीथेन जेनोसायर, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है कि हम बायोमिथेनेशन कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बाय माइक्रोब्स नोन एज मीथेन व्हाट वी कॉल इट एज मीथेनोजेंस. तो द पर्पज लाइक उससे हम फ्यूल बना सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है सॉलिड वेस्ट का. देन रिसाइकलिंग ऑफ कोर्स सेम चीज़ें, आप फेंको मत, उन्हीं को यूज़ करो, उससे बढ़िया तो कोई तरीका नहीं है. कि जैसे पुराने कपड़े हो गए तो पुराने कपड़े लोग फेंक देते हैं, वो वेस्ट में चले जाते हैं, बट अगर आप यूज़ करते रहोगे तो उनको दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. तो बहुत सारी चीज़ें हम जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, रबर, इन सब चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं. रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट तरीका फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज लिक्विड वेस्ट. कि सॉलिड वेस्ट तो हो गया, लिक्विड वेस्ट का क्या, लिक्विड वेस्ट को क्या किया जा सकता है. तो लिक्विड वेस्ट इज नथिंग बट वेस्ट वाटर, ऑयल्स और ग्रासेस यूज्ड ऑयल, लिक्विड, सॉलिड गैसेस, और कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. हज़ार कुछ कुछ घर से भी निकलने वाले कई सारी चीज़ें, जैसे टॉयलेट से निकलने वाली चीज़ें हम क्लीन करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग के बाद निकलने वाला वाटर, कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं लिक्विड वेस्ट की तरफ इशारा करते हुए नज़र आती हैं. तो कैसे मैनेज करना है, सब जब हम बात करते हैं डाइल्यूशन की, आप जो है एज इट इज़ मत दौड़ो, उसमें थोड़ा सा जो है फिल्ट्रेशन करके छोड़ो. सो द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन लाइक हम ये हाउस होल्ड के लिए उतना नहीं है, बट कंपनीज के लिए है कि आप उनको डाइल्यूट करके छोड़ो, एज इट इज़ मत रिलीज़ करो. देन मैकेनिकल ट्रीटमेंट, आप जो है ट्रीटमेंट का प्लान्स बनाओ, फिल्टर्स बनाओ, जिसमें आप जो है कई सारे जो है लेयर्स लगा कर, कई सारे चैम्बर्स लगा करके जो है वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे. देन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो ये भी एक तरीका है कि आप ट्रीटमेंट के लिए लाइक एक मैकेनिकल हो गया, एक बायोलॉजिकल हो गया. देन केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है कि आप यहाँ पे कुछ जो है फिल्टर्स में जो है आप बहुत सारे जो है बैक्टीरिया को यूज़ करके भी क्लीन करवा सकते हो, कुछ केमिकल्स को यूज़ करके क्लीन किया जा सकता है. प्रेसिपिटेशन, मतलब हम बारिश की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कैल्शियम ऑक्साइड ट्रीटमेंट टू पार्टिसिपेट अप टू 90% ऑफ फॉस्फोरस एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो उसे भी क्लीन किया जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं जो है सेपरेट करवा सकते हो. राइट, देन वी हैव एब्जॉर्प्शन, तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में तो एफिशिएंट इज ट्रीटेड विद एक्टिव चारकोल, तो वो भी एक चारकोल की मदद से भी ठीक किया जा सकता है. देन ऑस्मासल, लाइक हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्मासिस की, तो बोथ फॉर सेपरेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो बी सेग्रीगेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो वो एक तरीका है. देन केमिकल ऑक्सीडेशन, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन और हाइड्रोन पेरोक्साइड टू रिमूव डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एक तरीका है. रिमूवल ऑफ अमोनिया, तो वहाँ पे भी आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन द वेस्ट वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ मेटल लोअर फ्रॉम विच इट ट्रिकल्स डाउन ओवर अ सीरीज ऑफ प्लास्टिक बैफल्स, कहीं ना कहीं तो उसमें बहुत सारे बैफल प्लेट्स एंड इन्फोर्स्ड अपवर्ड्स विच रिमूव्स अमोनिया गैस, तो अमोनिया को अलग करके भी किया जा सकता है. देन वी टॉक अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट और बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हम लाइक बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, तो BMWS शॉर्ट फॉर्म निकल आता है. तो ये बायोमेडिकल वेस्ट की बात की जा रही है कि इसको कैसे जो है सुधारा जाएगा. सो द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सच गुड प्रैक्टिस आर 3 R, सच एज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज. तो आप
कम से कम यूज़ करो, दोबारा से यूज़ करो एंड लाइक रिसाइकल करो एंड उसी को रीयूज़ करते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करके जो है कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है फॉलो किया जा सकता है, एंड ऑफ पाइप अप्रोच इसको बोलते हैं। यूजुअली 10% to 25% ऑफ BMW इज हजार्डस एंड रिमेनिंग 75% इज नॉन हजार्डस। तो जो हजार्डस है उसे हमें अच्छे से ट्रीट करना ज़रूरी है, उसमें फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सब आ जाते हैं। उस हजार्डस वेस्ट का क्या करना है, हजार्डस वेस्ट का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। इट मीन्स एनी वेस्ट विच बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ इट्स फिजिकल, केमिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल्स, एक्सप्लोजिव और कोरोसिव कैरेक्टरिस्टिक्स कॉजेस डेंजर और इज लाइकली टू कॉज डेंजर टू हेल्थ और एनवायरमेंट, वेदर अलोन और वैन इट कॉन्टैक्ट विद एनी अदर वेस्ट और सब्सटेंस। तो किसी भी तरीके का किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, दैट इज हजार्डस वेस्ट। सिंपल तरीके से हम बताएं तो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हाउस होल्ड केमिकल्स भी आ जाते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग एंड पार्टिकल्स आ जाते हैं प्रोडक्ट के कॉर्पोरेट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिसमें आपका बायोसॉइल्स एंड पर्टिकुलरली सीवेज सर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हजार्डस में आ जाते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज यूजुअली डाइवर्सिफाइड, इट फॉल्स अंडर हजार्डस एंड नॉन हजार्डस दोनों आ जाता है। तो लाइक द 10 स्टेट कंट्रीब्यूट टू 70% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड इन द कंट्री, वाइल 65 स्टेट जनरेट मोर देन 60% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फ्रॉम ओल्ड कंप्यूटर्स विल जम्प 5% बाई 2020 विच कम्पेयर टू 2000 दैन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इट्स लाइक पुराने कंप्यूटर्स, पुराने मशीन, पुराने फोन। आप देखो आपके घर के आसपास कितने पुरानी चीज़ें पड़े हुए हैं, कितने पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पड़े हुए हैं, दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या हो जाता है, इसको कैसे क्या, देर इज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अब ये कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि कंपनी इतने कमर्शियल हो गए हैं कि डिवाइसेस सारे जो हैं बहुत जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट में चले जाते हैं। तो उसमें आपके कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बहुत सारे जो है टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सारी चीज़ें जो है तकलीफ दे रहे हैं ये। उसके अलावा सॉइल में, वाटर में, हर जगह जो है, एयर में, हर जगह पोल्यूशन करा रहे हैं। तो हेल्थ कंसर्न की वजह से लोगों की हेल्थ में तकलीफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं लैंडफिल्स में जाते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन जो है ज़मीन को भी डिग्रेड कर रहे हैं, सॉइल को भी पोल्यूट कर रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स कम्बाइंड टुगेदर। नाउ मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इशू है जो हम सबको पता है। क्लाइमेट चेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द 21st सेंचुरी एंड पोटेंशियल डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि ये एक जगह होने वाली या एक शहर में, एक गाँव में होने वाली चीज़ नहीं है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे होने वाली चीज़ है। तो एक ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज बड़ा मुद्दा है, बड़ी इश्यूज़ हैं। तो इसको कैसे फेस किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े समिट्स और बड़ी बड़ी चीज़ें, बट फिर भी एक मुद्दा है जिसे हमें जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कॉजेज़ क्या है, नेचुरल कॉजेज़ में सबसे पहले कमर्शियल ड्रिफ्ट, तो सॉरी नॉट कमर्शियल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप जो है कॉन्टिनेंट में जो है मूव होती रहती हैं। तो लाइक हम बात करते हैं, ग्लांस एट द मैप शोज हाउ मच अफ्रीका फिट्स स्मगली इन टू अफ्रीकाज बेट ऑफ बेनिन। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑन द ग्लोब अपीयर टू फिट इन टू ईच अदर लाइक द कंपोनेंट्स ऑफ अ जिग्सॉ पज़ल। तो कहीं ना कहीं एक वो है कि लाइक सब सारे जो हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं पहले दूर थे, फिर पास आए, या कुछ भी हो सकता है। तो ड्रिफ्ट जिसको हम बोलते हैं कि इट्स लाइक मूव कर सकते हैं, इट्स लाइक अ जिग्सॉ पज़ल दैट वी कैन टॉक, वो एक चीज़ है। देन उसके अलावा वॉलकैनोज, तो वॉलकैनोज की वजह से तो दिक्कत होती है कि वॉलकैनो आएंगे तो भाई अचानक से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इश्यूज तो आने ही वाले हैं। हवामुखी फट गया तो ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज होने ही वाला है उससे, राइट। देन अर्थ का अपना खुद का टिल्ट जो है वो मूव होते रहता है, रोटेट होते रहता है, तो अर्थ का रोटेशन उसमें भी 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हुआ उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है कि अर्थ कभी सन के क्लोज है, कभी दूर है, तो ऑफकोर्स इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। देन ओशन के करंट्स अपने आप, ये जो हम जिसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या फिर हम इसको अर्थ का टिल्ट बोल दें, इन सब की वजह से जो है ओशंस में अपने आप करंट जनरेट होते रहता है। तो ओशन का करंट भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस मतलब ह्यूमन कॉजेस या मैन मेड कॉजेस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले लाइक इफेक्ट, ये दिक्कत क्या है लाइक एट द एंड ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों की जो हो क्या रहा है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब इंसानों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, पोल्यूशन किया, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी एक एक करके देख ली। बट इफेक्ट क्या है, सबसे पहले जो है आपको कहीं ना कहीं साइक्लोनिक स्टॉर्म्स नज़र आते हुए सब जगह नज़र आएंगे,
तो जो बड़े बड़े साइक्लोन्स बड़े बड़े स्टॉर्म्स नजर आते हैं दैट इज नथिंग बट एन इफेक्ट और प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओनली। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हम सबको पता है समझ हाथ की साइक्लोन्स क्या होते हैं स्टॉर्म्स क्या होते हैं, तो आई एम नॉट पुटिंग मच इफेक्ट और मच टाइम ऑन दिस कि जो बड़े बड़े जो है समंदर से निकलने वाले जो आइस स्टॉर्म्स या बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं वो एक नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑफकोर्स आस पास की हमारे स्पीसीज मर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है ख़त्म हो रही है, तो अगेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देन सी लेवल बढ़ रहा है, ऑफकोर्स अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं पानी बढ़ते जा रहा है तो सी लेवल भी बढ़ रहे हैं, वजह से जो है छोटे आइलैंड जो है छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो वो भी एक लाइक इफेक्ट है दैट इज़ विजिबल दैट कैन बी सीन एंड दैट इज़ प्रॉब्लम वी शुड बी। देन इसके अलावा हम क्या बात कर रहे हैं, ब्लीचिंग ऑफ कॉरल रीफ्स, तो कहीं ना कहीं जो आपके बड़े बड़े जो कॉरल रीफ्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, तो दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोवाइड दे प्रिवेंट इरोजन ऑफ सॉइल और बीचेस, तो कहीं ना कहीं आपके जो रीफ्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी तकलीफ हो रही है, राइट। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स, तो ये अब हम बात करते हैं कि लाइक ओवरऑल रिसोर्सेज कहाँ से लाते हैं, एनर्जी हर चीज़ के लगती है तो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जो एक बार ख़त्म तो ख़त्म, जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जाता, तो उसमें आपके आते हैं सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स जो ज़मीन के अंदर से वाटर के अंदर से निकलने वाले हैं, जैसे कोल हो गया आपका, तो कहीं ना कहीं एक बार ख़त्म तो ख़त्म, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स। देन या पेट्रोलियम ऑयल, तो पेट्रोलियम ऑयल जहाँ पेट्रोल के सोर्स है निकल रहा है, जिस दिन बंद तो बंद, कुछ नहीं कर सकते। कोल भी वैसे ही है, जब तक ज़मीन से निकल रहा है ठीक है, कोल की खदानें हैं ठीक है, जिस दिन ख़त्म तो उस दिन ख़त्म। वो हमारे जो है नेचुरल गैस का नया सोर्स मिला जहाँ से मिल रही है ठीक है, जिस दिन ख़त्म तो ख़त्म, तो अगेन दैट इज़ द थिंग, वो भी एक चीज़ है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब वो सोर्सेज जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। तो क्या है उसमें, सबसे पहले आपका सोलर एनर्जी, भाई सूरज हर समय है, सूरज से रोशनी लेकर के आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, दैट इज़ कॉल्ड एज सोलर एनर्जी, ये कभी ख़त्म होने वाली है क्या ना। देन विंड एनर्जी, विंड मतलब हवा तो फ्री में चल रही है, आप टर्बाइंस लगा दो, जो हवा चलेगी तो टर्बाइंस घूमेंगी और घूमेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अगेन फ्री में, हवा कभी बंद होने वाली है क्या ना, हमेशा चलेगी, तो अगेन रिन्यूएबल, राइट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, आप भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा दो, कहीं ना कहीं उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें आपको कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, आप कहीं ना कहीं वाटर पर डिपेंडेंट हो, तो वो भी एक चीज़ है। देन जियो थर्मल में बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स लगा दो, उसमें भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, तो रिन्यू होते रहेंगे, आप बार बार उसको यूज़। बायोमास भी हम बना सकते हैं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, उससे भी बार बार जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है रिन्यू की जा सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी, अभी इस पर नई नई टेक्नोलॉजीज नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो न्यूक्लियर से भी जो है बड़े बड़े एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी से बोलते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से भी कुछ कुछ जो है जैसे हमारे यहाँ पे कुछ कंपाउंड निकलते हैं, कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं, तो उनसे ये भी एनर्जी बनाई जा सकती है, राइट। नेचुरल हजार्डस एंड मिटिगेशन, कैसे जो है चीज़ों को मिटिगेट किया जाता है, तो अभी सबसे पहला चीज़ है अर्थक्वेक से निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। अर्थक्वेक क्या होता है, लाइक अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अचानक से ज़मीन से जो है भूकंप आ गया, ज़मीन हिलने डुलने लग गई, तो अर्थक्वेक आ गया। देन वॉलकैनोज, ऑफकोर्स वॉलकैनोज इरप्ट होते रहते हैं बहुत सारी जगहों पे, ऑटोमेटिक नेचुरल होने वाली चीज़ है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। सुनामी, समंदर के अंदर वॉलकैनो फूटा या अर्थक्वेक आया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट लैंडस्लाइड आई है, कुछ भी हो सकता है, बट समंदर से जो है पानी तेज़ी से अगर ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज सुनामी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है। देन साइक्लोन, ऑफकोर्स ज़मीन की तरफ आप तूफान लेकर के आ रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो थिंग दैट क्रिएट्स एन इशू। फ्लड, भाई बरसात ज़्यादा हो गई, नदियाँ बढ़ गई, पानी भर गया, तो पानी भी सब कुछ बहा के ले जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, राइट। क्लाउड बस्ट, अब कुछ नहीं हुआ, बादल ही फट गए, तो भाई वो भी एक तकलीफ है, या बादल आए ही नहीं, दैट बिकम्स ड्राउट, की बारिश हुई ही नहीं, राइट। बारिश का कम होना, ज़्यादा होना, ना होना, हर चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, हर चीज़ के लिए वी नीड टू बी रेडी। लैंडस्लाइड्स की, आप पहाड़ों पर जा रहे हो, दो पहाड़ खिसक गए, लैंडस्लाइड हो गई, वो भी एक मेजर इशू है, राइट। तो अब उसके अलावा वाइल्ड फायर, जंगल में आग लगी, पूरा जंगल तबाह हो गया, पूरा जंगल जल गया, तो ये सारे जो है नेचुरल हजार्डस हैं, इनके मिटिगेशन कैसे करना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अभी हमें समझना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एनवायरमेंट को लेकर के कोई चीज़ें नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 42nd अमेंडमेंट के बाद जो है इसमें ऐड कर दी गई, तो वहीं से आपका जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत हो जाती है। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी एंड कुछ आर्टिकल 48 के थ्रू कुछ चीज़ें जो है स्टेट को जो है डायरेक्ट की।
देन द डेवलपमेंट्स वर एज अ रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन, अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट की स्टॉकहोम में 1872 में, तो इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से जो है हमने इन सब पे काम करना शुरू किया था। फर्स्ट द तो कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, सबसे पहले आया हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, देन वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974, फॉलोड बाय एयर जो हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981, तो 74 में वाटर एंड 81 में एयर, अब लाइक पहले वाइल्ड लाइफ 72 में, फिर 74 में वाटर एंड 81 में एयर पोल्यूशन। बट इन 1996 द EPA वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी विच अकर्ड ऑन डिसम्बर 1984 में जो भोपाल ट्रेजेडी हुई, उसके बाद से जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने फिर 1986 एक्ट कर दिया। जो आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जानना है तो देर इज अ वेब सीरीज कॉल्ड एज द रेलवे मैन, तो आप वो देख सकते हो, द रेलवे मैन, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो डिपिक्ट किया है सारी चीज़। मूविंग ऑन टू क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, तो इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस मेड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट एंड हेल्ड इन स्टॉकहोम, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट इंडस्ट्री दैट कैन इशू डायरेक्ट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग, लाइक एक अथॉरिटी बनाने की जरूरत थी तो वो किया गया। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एजेंसीज दैट आर ऑपरेटिंग अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज, इनएक्टिंग रेगुलर लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, तो नए नए लॉज बनाए गए। इम्पोजिंग पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु एंडेंजर द एनवायरमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर सच फेलियर एंड फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन, द पनिशमेंट इंक्लूड अ सर्टन टर्म ऑफ अप टू फाइव ईयर्स और अ फाइन ऑफ अप टू ₹1 lakh और बोथ, दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 7 years इन केस। तो फाइन्स और पनिशमेंट पेनल्टीज के बारे में बताया गया। इंगेजिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, अटेनिंग प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द राइट टू लाइफ, ना सिर्फ इंसानों को है बल्कि हर किसी को है यहाँ पे। तो अगर कोई इंसान की लाइफ के साथ, लाइक एनवायरमेंट से आप छेड़खानी कर रहे हो तो इंसान की लाइफ में राइट टू लाइफ को खतरा दे रहे हो आप, और एनवायरमेंट को तो आप डैमेज कर रहे हो, राइट। उन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए बनाया गया। क्या क्या प्रोविजन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर दिस लॉ, इट कैन कोऑर्डिनेट एंड एक्सरसाइज नेशन वाइड प्रोग्राम्स एंड प्लान्स टू फर्दर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, नेशन वाइड इसको अथॉरिटी दे देगी। इट कैन मैंडेट एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली दोज कंसर्निंग द एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। दिस लॉ कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, की कहाँ इंडस्ट्रीज होंगी वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तय करेगा। द लॉ गिव्स द गवर्नमेंट द पावर ऑफ एंट्री फॉर एग्जामिनेशन, तो गवर्नमेंट बीच में एग्जामिन करने के लिए लॉ के तहत आ सकती है कि भाई कहीं पे एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही है, वो चेक करने का काम गवर्नमेंट का, राइट। द EPA एक्सप्लिसिटली बार्स द डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। देयर इज ऑल्सो इन प्लेस अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस विच इज प्रोहिबिटेड अनलेस इज कॉम्प्लिकेटेड विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी सॉल्व की जा सकती है। द एक्ट एम्पावर्स एनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू फाइल अ कंप्लेन इन कोर्ट रिगार्डिंग एनी कॉन्ट्रावेशन ऑफ, अगर किसी को लगता है कि कहीं पर भी जो है एनवायरमेंट को डैमेज किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई भी जो है कंप्लेन फाइल कर सकता है कोर्ट में जा करके। वो प्रोविजंस भी हमें इस एक्ट ने प्रोवाइड किए हैं, राइट। नाउ नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या है नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया लॉन्च्ड इट्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2008। व्हेन दिस वाज अनाउंस्ड इंडिया वाज वन ऑफ द 10 ऑड कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव अ कंबाइंड पॉलिसी फॉर ट्रैकिंग क्लाइमेट चेंज और टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। Government wanted a policy on climate change before the G8 summit at Tokyo in 2008 and the conference of parties of kahin na kahin jo hai hum Copenhagen in 2009. Since the NAPCC was formulated in haste, the policy broadly covered objectives and did not address strategy to achieve objectives. The ministry's concern took 6 more years to approve the mission. In that time frame there was a change of guard and new government was, वो भी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हुई, political angles भी थे बहुत सारे। एट दी एंड द आइडिया इज कि कहीं ना कहीं G8 summit होने से पहले गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में, राइट। 8 इंडियन स्टेट्स झारखंड मिजोरम ओडिशा छत्तीसगढ़ असम बिहार अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट।
ये सारे स्टेट्स में क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से होता है। रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और अडॉप्शन प्लान फॉर अडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क रिलीज बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। द रिपोर्ट ऑल्सो शोड दैट महाराष्ट्र इज़ द लीस्ट वल्नरेबल स्टेट इन द कंट्री। वो एक रिपोर्ट आई जिसमें इन 8 स्टेट नाम रखा गया, कौन कौन से, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल, क्लाइमेट चेंज से हाईली वल्नरेबल है, यहाँ पर ज़्यादा क्लाइमेट। व्हाट इज द नीड फॉर नेशनल एक्शन प्लान? नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एज पर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ऑफ 2018, इंडिया इज द 12th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री दैट गेट्स इम्पैक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 3,570 डेथ्स अकर इन इंडिया ड्यू टू सीवियर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसकी वजह से 3,500 से ज़्यादा लोग हर साल मर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने टैकल करने के लिए बनाया और इंडिया इज द 12th कंट्री टू गेट मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। ये 2018 की रिपोर्ट है, ठीक है, सारी चीज़ों को हमें ध्यान में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें की हैं, तो ये गवर्नमेंट के कुछ मिशंस हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए। क्या क्या है? नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हम बहुत बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया मिशन। आप इन सारे मिशंस को डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है, अदरवाइज सिर्फ नाम पढ़ लिया, नाम पता है तो भी इनफ है। तो 7 गवर्नमेंट इनिशिएटिव, 8 क्लाइमेट। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ने की है, तो सबसे पहले आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफकोर्स मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फाइनलाइज्ड इन 1987 एज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था 1987। द स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर फिल्टर्स आउट हार्मफुल अल्ट्रा वायरस रेडिएशन विच इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड प्रीवेलेंस ऑफ स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स, रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डिसरप्शन ऑफ मरीन इकोसिस्टम। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी 1987 में, हुई थी ये कहाँ पे, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मतलब क्या, सिंपल, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रियो समिट की। रियो समिट क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट दैट वॉज हेल्ड एट द हेल्ड एट रियो दी जमेरिका ब्राज़ील इन द ईयर 1992। इसलिए इसको बोलते हैं रियो समिट। तो इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, इसको रियो समिट भी बोलते हैं। कहाँ हुई थी ये? रियो दी जमेरिका ब्राज़ील में 1992 में, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिकनसाइल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। द रियो समिट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स विथ 117 हेड्स ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 170 नेशंस पार्टिसिपेटिंग इन दिस। ये रियो समिट या अर्थ समिट बोल, ये भी एक चीज़ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें क्या चीज़ें हुई? कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम कन्वीन्ड द एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन नवंबर 1988। एडिशनली सम फर्दर changes were made on 22nd May 1992 with the Nairobi conference and the adoption of the agreed text of the convention on biological diversity during the Rio or Earth summit where the convention was opened in the United Nations conference on environment and development had received 188 signatures from biodiversity ko protect karne ke liye ek conference rakhi gayi thi jise like ad hoc conference ya 1988 mein hui thi ye। बाद में 92 में सेम चीज़ों बात की गई, अर्थ समिट में भी सेम बात की गई, राइट। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल में हम बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो CO2 इज रिकॉग्नाइज्ड एज द की ग्रीन हाउस गैस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंजेस एंड फॉर विच द डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई लेवल्स ऑफ GHG एमिशन currently in the atmosphere due to more than 150 years of industrial activity. Kyoto Protocol places a heavier burden on the developed nations under the principle of
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योटो प्रोटोकॉल एंटर इन टू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। तो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्या क्या चीज़ें हुई क्योटो प्रोटोकॉल में, तो हम बात करते हैं UNFCCC, तो यूनाइटेड ने इसको लाइक पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे UNFCCC ने क्या क्या चीज़ें किया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ने। तो प्रोटोकॉल केम इन टू फोर्स इन 2005, देर आर अराउंड 192 मेंबर कंट्रीज वेर द मेजर polluted nations like the US never signed the protocol and Canada withdrew in 2012। ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ आ रही हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंड्स द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट बाइंड्स द कंट्रीज टू कमिट रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस। 6 ग्रीन हाउस गैसेस लिस्टेड इन द एक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन what we call it as nitrous oxide, hydrofluorocarbons, what we have something called as particulfluorocarbons and sulfuric hexafluoride. तो इन सब चीज़ों को मिला करके वह इनका नाम लिखा गया। एंड द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो एंटर्ड इन 2012, पोस्ट विच द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड कॉल्ड एज द दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल। ये मिला करके क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली बताया गया कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन किया है, दे शुड बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी पोल्यूशन हुआ है, राइट। दैट इज़ योर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ने कंट्रीज़ को कुछ डिवाइड किया इस तरह की कैटेगरीज में। एनेक्स वन में जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें US, UK, रशिया एक्सेट्रा हैं, इनका जो है काफ़ी अच्छा जो है, एंड प्लस उसके अलावा इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन जो कर रहे हैं जैसे यूक्रेन और टर्की। एनेक्स टू में फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ हैड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू EIT, इन्होंने प्रोवाइड किया उनका है। एंड देन कंपलसरी टारगेट्स जिनको एनेक्स बी में रखा गया है, बोथ कमिटमेंट्स पीरियड अप्लाई टू इट। एंड उसके बाद नॉन एनेक्स कंट्रीज जिनमें नॉन बाइंडिंग लो इनकम ग्रुप्स, जिनके पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, राइट। दैट इज एक और चीज़ बचती है हमारी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या पेरिस अलायंस भी बोलते हैं इसको। तो इंडिया इज जनरेटिंग अराउंड 18.5% ऑफ इंडियाज टोटल एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। PM श्री नरेंद्र मोदी एंड द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस मिस्टर फ्रैंकलो ओलांदो जॉइंटली लेट डाउन द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन 25 जनवरी 2016। द फर्स्ट समिट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर कोएलिशन ऑन 11 मार्च 2018 इन न्यू दिल्ली वॉज ऑर्गेनाइज। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर ISA कंसिस्ट ऑफ 121 कंट्रीज। द ISA हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1 TW ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030। दैट इज़ योर इंटरनेशनल सोलर एनर्जी। Then one more agreement we have, Paris Agreement. In 2015, the Paris Agreement was signed as an international agreement to reduce global greenhouse gases and thus it deals with climate change. There are 29 articles in agreement. So, Paris Agreement's ke kuch targets hain, jisme India ke liye hai emission intensity of GDP 30-35% below 2005 levels by 2030, power capability to be 40% non-fossil fuel based. Wo hai. चाइना के लिए एमिशन 60-65% बिलो 2005 लेवल्स, मतलब 2005 में जो लेवल्स है वहाँ से आपको 60-65% लेवल नीचे लेके आना है 2030 तक। एंड पीक एमिशन अराउंड 2000। नॉन फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन 20% होना चाहिए एज अ प्राइमरी। US के लिए 26-28% कहीं ना कहीं एमिशंस कम होने चाहिए। एंड यूरोपियन यूनियन के लिए 40% बिलो 1990 लेवल्स बाय 2030। दैट इज़ योर पेरिस एग्रीमेंट। The main aim of Paris Agreement is to keep the global temperatures rise this century well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. तो Paris Agreement का एक aim ये है कि 2 degree से ज़्यादा temperature नहीं बढ़ना चाहिए, उसको कम करना है। There have to be efforts to limit the temperature increase over even further to 1.5 degrees Celsius. In France, the Paris Agreement is known as L'accord de Paris. Paris Agreement comes under the broad umbrella of United Nations Framework Convention on Climate Change. That's all from my side for this particular chapter. This is People Development and Environment from the 9th chapter or 9th unit of Paper 1, General Studies of UGCNET. Thanks a lot for watching. If you liked it, please give this video a thumbs up and subscribe for more such videos.